मैं शुद्ध आत्मा हूँ, एक ये बात। और दूसरी बात होती है कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना। और ये दो बात के बीच, यहाँ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरत रचना है, यहाँ शुद्ध आत्मा है। तो ये दृष्टि परिपक्व होके प्रतिष्ठित आत्मा के, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के विजन में होना चाहिए, क्योंकि समझना इसको है, उपयोग इसको करना है, अनुभव इसको करना है, अज्ञानता इसको मिटाना है, डेवलपमेंट इसको करना है, तो सब चीज आ जाएगी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा। और उनका काम है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का हर अवस्था में उपयोग करते रहना। इसमें कोई ब्रेक की बात नहीं है कि अभी आप करो या अभी न करो, ये कंटिन्यूस प्रक्रिया है। कैसे? जैसे मैं नामधारी हूं, ये जागृति मेरे को कंटिन्यूस है कि कभी कभी आती है? तो कि कंटिन्यूस है। ये मकान मेरा है, वो जागृति कंटिन्यूस है, चैंटिंग की जरूरत नहीं है। तो जागृति को ज्ञान कहते हैं और वही ज्ञान का उपयोग करना है जिसे इफेक्ट होती है। कोई कहेगा तुम्हारे में अक्ल नहीं है, वो एट दैट मोमेंट ही हमको अंदर ज्ञान विज्ञान के रूप में काम करना चाहिए। मैं शुद्धात्मा हूं और ये अक्ल नहीं है, किसको कहता है? प्रकृति को। मैं प्रकृति नहीं हूं। अच्छा, और जो प्रकृति को अक्ल, बिना अक्ल वाला कहता है, वो कहने वाला भी कुदरती रचना है और ये प्रकृति भी कुदरती रचना है। तो दोनों को क्यों ऐसा व्यवहार करना पड़ा, एक को बोलना और एक को सुनना? क्यों हुआ? क्योंकि कर्म का फल। और इसीलिए कोई गुनहगार है या कोई निर्दोष है, वो प्रश्न, बोलने वाला गुनहगार और सुनने वाला निर्दोष, ऐसा नहीं है। ये दोनों अपने अपने का हिसाब खत्म कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, ये आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने के लिए, हमको अज्ञान को मिटाने का ज्ञान चाहिए। क्यों अज्ञान को मिटाने का ज्ञान चाहिए? क्योंकि अज्ञान ही आधि व्याधि उपाधि करवाता है, अज्ञान ही राग द्वेष करवाता है, अज्ञान ही क्रोध मान माया लोभ करवाता है, अज्ञान ही कर्म बंध की जड़ है, अज्ञान ही चारों गति में भटकाता है और अज्ञान ही जन्म मरण करवाता है। ये सभी का मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट है अज्ञान, रूट कॉज, रूट कॉज। तो वो जहां से जब तक नहीं निकलेगा, या तो वो निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, वहां तक आप सनातन सत्य का न अनुभव कर सकोगे और नई आत्मा के नजदीक जा सकोगे। अज्ञान के साथ आत्मा के नजदीक नहीं जा सकते हैं, अज्ञान के साथ संसार से नजदीक जा सकते हैं, संसार से और नजदीक जा सकते हैं और परिपक्व हो सकते हैं अज्ञान के साथ। और अज्ञान मिटाते ही, अज्ञान मिटाने की प्रक्रिया शुरू होते ही आप संसार से अलिप्त रहना शुरू करते हैं और आत्मा की नजदीक जाना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारे दिमाग में से ये निकाल दो कि मेरे को ज्ञान आत्मा के लिए पाना है, अज्ञान को निकालने के लिए पाना है। ये बातें छोटी हैं, मगर क्या होता है जब परिस्थिति ऐसी आती है तो लोगों को लगता है कि मेरे में अज्ञान है। तो मैं कहूँ ऐसा मत बोलो, एक बार आप ये भी स्वीकारते हो कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, दूसरी बार ये भी बोलते हो कि मैं तो अज्ञानी हूं, दो बात कैसे हो सकती है? तो आत्मा ज्ञानी था, है और रहेगा, और प्रकृति के अंदर अज्ञान हो सकता है और प्रकृति की विलिप में अज्ञान हो सकता है, तो उसको मिटाना है। उसका मतलब ये नहीं कि अज्ञान मेरा है या मेरे में है, आप समझे ना, ये अज्ञान प्रतिष्ठित आत्मा लेकर आया है और वो समय समय पे निकल रहा है। वो अज्ञान को इरेज करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रू साइंस।
जिससे अज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा और कर्म भी नहीं बनेगा। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम अज्ञान को मिटाने का ज्ञान प्राप्त करें। इसका नाम है ज्ञान में से विज्ञान क्यों बताता हूं। अगर ज्ञान शब्द बोलूंगा तो वो भी पॉइंट हो जाएगा। जैन कहता है हमारे भगवान ने भी ज्ञान दिया, वैष्णव कहेगा कृष्ण भगवान ने भी ज्ञान दिया, राम ने भी ज्ञान दिया, शिव ने भी ज्ञान दिया, स्वामीनारायण भगवान ने भी ज्ञान दिया, और सभी ज्ञानों के बीच अंतर है, एक दूसरे को नहीं मानते। तो वो ज्ञान से क्या मतलब है? क्या वो ज्ञान से परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है? नहीं मिलेगा, फिर वही बदल रहेगा। और इसीलिए मैंने विज्ञान शब्द का प्रयोग इसीलिए किया, विज्ञान का मतलब कुदरत का कानून, और वो मानो या न मानो फिर भी सबके लिए एक है। मगर ज्ञान की बात करोगे तो आप मानो तो ज्ञान है, नहीं मानो तो नहीं है, तो फिर वो भी पॉइंट हो गया। और इसीलिए मैं ज्यादातर विज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूं, और विज्ञान का मतलब सनातन सत्य, मेरा या कोई व्यक्ति का नहीं है। तो ये अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान की जरूरत है, और विज्ञान को आप ज्ञान भी बोल सकते हैं। उसके लिए अनुभवी पुरुष की आवश्यकता होती है, और अनुभवी पुरुष के माध्यम से जो सैद्धांतिक ज्ञान सरल भाषा में मिलता है और सिंपल एग्जाम्पल से मिलता है, उससे हमारे जीवन का सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक सभी प्रश्नों का हमको परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ ये विज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सरल भाषा में, नहीं सिर्फ मेरे माध्यम से, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार हो चुके हैं आध्यात्म विज्ञानी, उनके माध्यम से भी लोगों के पास जाए, और YouTube और TV के माध्यम से भी लोगों के पास जाए, किताबों के माध्यम से भी लोगों के पास जाए, वो ऑडियो या वीडियो के रूप में हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी माध्यम से लोगों के पास पहुँचे, ये मेरी भावना है, और उसके लिए मैं जो भी कर सकूँगा संजोगों के मुताबिक वो करता रहूँगा। मेरा मकसद है लोगों को विज्ञान पहुँचना चाहिए। लोग मेरे प्रकृति को याद रखें या न रखें ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर विज्ञान को याद रखें और भूल नहीं जाए और एक दिन खुद ही मुक्ति की अनुभूति कर सके, यही मेरी भावना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान शब्द दिया, ताकि कि हालांकि विज्ञान भी ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कई जो है सांप्रदायिक गुरुओं के द्वारा भी दिया जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन रहता है। तो विज्ञान शब्द के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की कि हमारा रूट कॉज है वह अज्ञान है, इस अज्ञान को हमें विज्ञान के माध्यम से, सनातन सत्य के माध्यम से, कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के माध्यम से हर सारे साधन उपयोग करके और इसको डिलीट करना है पूरा, तब हमें केवल दर्शन आत्मा की अनुभूति हो सकती है। स्वामी जी ऐसा कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, क्योंकि जो भगवान को मिलाने वाला भी गुरु होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कृपया ये बताइए कि जब ज्ञान लेना है तो किसी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से लिया जाना चाहिए, उसको ढूंढ करके, या जो जो माध्यम आपने बताए हैं उनके माध्यम से ही जो है हम उसको कर लें। क्योंकि प्राय प्राय मान्यता हमारे भारतवर्ष में तो यही जमी हुई है कि गुरु बिना तो सच्चा ज्ञान मिलता ही नहीं है, वो तो एक तरीके से परोक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष तो गुरु की हाजिरी से मिलता है, गुरु के कहना चाहिए उनके अतिशय से मिलता है, उनकी कृपा से मिलता है, उनके पुण्योदय से मिलता है, हमारे पुण्योदय से। तो कृपया ये बताइए कि ज्ञान किसी गुरु से, किसी विधि से लिया जाना चाहिए या स्वप्रेरणा से लिया जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ज्ञान वो दृष्टि का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। और ज्ञान दृष्टि है तो दृष्टि ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष आपको देते हैं।
और वो गुरु इसीलिए नहीं है क्योंकि वो ज्ञान देते हैं वो निमित्त भाव से देते हैं, कर्ता भाव से नहीं देते हैं। कर्ता भाव से तो बोझ बन जाएगा इसको। और आखिर वो शिष्य की जिम्मेदारी गुरु बन के क्यों लें, उनको भी तो मोक्ष में जाना है और जिम्मेदारी लेंगे तो फिर वो जिम्मेदार भी रहेंगे। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान की दृष्टि देता है, विज्ञान की दृष्टि देता है, तो कभी ये नहीं कहता है कि मैं आपका गुरु हूँ और आप मेरे शिष्य हैं, मैं तो जो मेरा अनुभव है वो बांटने के लिए आया हूँ, आपको जो भी प्रश्न है या जो भी समाधान चाहिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, और अगर समाधान मिल जाए तो यही विज्ञान का उपयोग करके आप अनुभव करो, अगर उसमें कोई बाधा है तो आप मेरे को प्रश्न कर सकते हैं, मगर तुम मेरे आधारित या मैं तुम्हारे आधारित वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष इस परिस्थिति आने देते नहीं है। उनका एक ही मकसद है, मैं भी मुक्त था, मुक्त हूँ और मुक्त रहूँ, क्योंकि मेरे को वास्तव में मुक्तता की अनुभूति करनी है। आत्मा तो शरीर से मुक्त था, है और रहेगा, मगर डिफरेंस क्या है, अनुभूति नहीं है, तो अनुभूति करना चाहता हूँ। और इसीलिए अगर मैं खुद अपने शरीर से मुक्त रहना चाहता हूँ तो मैं किसी का गुरु कैसे बन सकता हूँ, और आपको भी मैं मुक्त रखना चाहता हूँ ताकि आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बन जाए, मैं मार्गदर्शक के रूप में बना रहूँगा, गाइड के रूप में बना रहूँगा कभी भी, और कोई कंडीशन नहीं रहेगी कि आप इतना इतना करोगे तो ही मैं विज्ञान बताऊँगा दिखाऊँगा, नहीं, आप रेगुलर आओगे तो ही बताऊँगा, नहीं, आप जब भी आओ जो भी उलझन है रखो मेरे सामने, मैं आपको गाइड करूँगा और आपको समझ के वही विज्ञान को संजोगों में दृष्टि से उपयोग करना है, अनुभव करना है। मेरा मन वचन काया का तो अनुभव करना नहीं है, और न ही कोई मेरी स्पेशल आज्ञा है, और न ही मेरी तरफ से कोई सत साधन है, तो बात सिंपल है। और इसीलिए हर ज्ञान अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमेशा मुक्त होते हैं और दूसरे को भी मुक्त रखते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। और वो सैद्धांतिक है, ऐसा नहीं कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो समझते हैं मैं किसी को बंधन में क्यों डालूं, मेरा ज्ञान मुक्ति के लिए है, बंधन के लिए नहीं है, तो मैं अगर आप गुरु बन जाऊंगा तो फिर मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं जो कहूं वो ही करो, और नहीं करूंगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा या तो गुस्सा करूंगा, तो ये फिर रिलेटिव टर्म्स हो गए। तो एक रिस्पेक्ट के तौर से गुरु कहना वो तकलीफ की बात नहीं है, मगर अनुभवी ज्ञानी गुरु बनते नहीं है, वो मुक्त रहते हैं और सामने वाले को मुक्त रखते हैं, वो मार्गदर्शक होते हैं, और मार्गदर्शक ही राम कृष्ण महावीर भी मार्गदर्शक ही थे, अगर वो गुरु बनते तो किसी को ये ज्ञान कंपलसरी लादते, हालांकि उन्होंने अपने पत्नियों को भी ज्ञान कंपलसरी नहीं दिया, वो तो जिसको चाहिए वो देते थे, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो उनके लिए अपने को जो ज्ञान मिला अनुभव हुआ है उसका गर्व भी नहीं था, और किसी को जबरदस्ती देना वो भी सोच नहीं थी, मेरे को प्राप्त हुआ है मैं बांटता रहता हूँ, जिसको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जिसको पसंद है तो मैं देता रहूँगा, ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन का मकसद है। जैसे गंगा हिमालय में से निकलती है, पहाड़ों में से घूमती 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 धरती पर आती है, और धरती पर वो गंगा चलती रहती है, अभी जिसको पानी पीना है तो पी सकते हैं, नहीं पीना है तो नहीं पिए, कोई पीने में काम करे, कोई सफाई करने में काम करे, कोई खेती में यूज करे, कहीं भी करे, गंगा से कोई मतलब नहीं है, अगर नहीं भी यूज करेगा तो वो समंदर की ओर चली जाएगी, उसके कोई कंप्लेन नहीं है। तो आइए हम यही विज्ञान को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समय समय पे आगे बढ़ने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ज्ञान अज्ञान और विज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उसमें एक विषय आया कि ये सारा काम जो मेन एग्जीक्यूटिव बॉडी है
जो सारा कुछ करने वाला है वह प्रतिष्ठित आत्मा है, और प्रतिष्ठित आत्मा आपकी कहिए, दादा भगवान की कहिए, अक्रम विज्ञान की कहिए, एक विशेष खोज है। क्योंकि मैंने भी जो है बहुत से दर्शनों को पढ़ा है, कहीं प्रतिष्ठित आत्मा शब्द नहीं मिला, वो दादा भगवान आपके माध्यम से मिला और बहुत सुंदर उसकी व्याख्या भी है। तो हमारे श्रोतागण, क्योंकि ये बहुत जिज्ञासा का विषय है, तो प्रतिष्ठित आत्मा को थोड़ा खोल करके बताइए, क्योंकि ये ऐसा विषय है कि हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, तो पुरुषार्थ का माध्यम क्या है? पुरुषार्थ का माध्यम प्रतिष्ठित आत्मा है। इसको जितनी बार खोल खोल के समझेंगे तभी हमारा ये सारा विज्ञान खुला होगा। yes, तो कृपया yes. प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में थोड़ा खोल के बताइए। यस यस, वैसे तो सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से पुरुषार्थ मन वचन काया करता है, वही हमारे शास्त्र या धर्मगुरु बताते हैं सभी धर्म के अंदर। वास्तव में पुरुषार्थ का काम न मन वचन काया का है और न ही आत्मा का है। मन वचन काया वो तो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, उसीलिए वो पुरुषार्थ कर नहीं सकते। मन वचन काया का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, और इसीलिए हम इसको स्वतंत्रता से कुछ कर सकते हैं नहीं है। और आत्मा खुद ही चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला होने के नाते उनको कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो न आत्मा करेगा और न ही शरीर करेगा। तो पुरुषार्थ कौन करेगा? पुरुषार्थ मात्र प्रतिष्ठित आत्मा करेगा। मगर प्रतिष्ठित आत्मा को कैसे समझेंगे? तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है प्रतिष्ठा करने वाला। राग की प्रतिष्ठा, द्वेष की प्रतिष्ठा, कसायों की प्रतिष्ठा, कर्मों की प्रतिष्ठा, क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा जैसे करेंगे वैसे कर्म बनेंगे, और जैसा कर्म बनेगा ऐसा कर्म फल कुदरत देंगे। तो प्रतिष्ठा करने वाला, कर्म की प्रतिष्ठा करने वाला, कर्म कितने भी प्रकार के हैं मगर सभी कर्मों की प्रतिष्ठा करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम प्रतिष्ठा करना है। उसका अलग अलग नाम है, इसको लाइव ईगो ये भी बोलते हैं, इसको मिश्र चेतन भी बोलते हैं, चेतन और जड़ का मिश्रण, वो मिश्र चेतन, चेतन का पावर और जड़ का अवस्था के अंदर से अट्रैक्शन हुआ है राग द्वेष का, ये दोनों को मिला के तो वो मिश्र चेतन हो गया। फिर ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने उसको बाबा भी बताया, और ये लाइव ईगो का मतलब होता है अस्तित्व का भाव, मैं हूं। ये सभी जीवों के अंदर है, मगर मैं क्या हूं ये सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं हूं ऐसा तो सबको मालूम है, मगर मैं क्या हूं वो समझ में नहीं आता है। और इसीलिए उनके पास जो मैं क्या हूं उसका जो ज्ञान और दर्शन है उसके मुताबिक वो पुरुषार्थ करता है, उसको कहते हैं प्रतिष्ठा करता है। और जैसी अभी प्रतिष्ठा करेंगे वो ऐसे ऐसे बीज बनता रहेगा और बीज का ढेर बनता रहेगा, उसको बंच ऑफ कर्म कहेंगे। एक कर्म को इंग्लिश में कॉज कहते हैं, और बंच ऑफ कर्म का, कर्म को पूरी लाइफ के कॉजल बॉडी कहते हैं। वो कॉजल बॉडी प्रतिष्ठित आत्मा ने बनाई है। वो कॉजल बॉडी के आधार से कुदरत तय करता है कि ये कॉजल बॉडी को भुगतान करने के लिए किस प्रकार का इफेक्ट बॉडी उनको दो। कॉजल बॉडी के आधार से चाहे उसका मनुष्य का बर्थ दो, मनुष्य में स्त्री या पुरुष का दो, या तो
पशु योनि में, कोई योनि में उसका जन्म दूं, बॉडी दूं, या नरगति का बॉडी दूं, या देवलोक का बॉडी दूं, कौन सा बॉडी दूं, तो वो कर्म के आधार से डिसाइड करेंगे। और जैसा कर्म की क्वालिटी होगी उसको भुगतान के लिए इसी प्रकार के शरीर रूपी साधन कुदरत प्रोवाइड करेगा। और जब साधन देगा तो साधन को जिंदा रखने के लिए, चलाने के लिए और कर्म की भुगतान के लिए और उसका अंत लाने की सभी प्रक्रिया कुदरत ही करेगी। तो इसीलिए जो प्रतिष्ठित आत्मा शब्द है वो दादा भगवान की खोज है, बहुत बड़ी खोज है। और हमने वो प्रतिष्ठित आत्मा के ज्ञान को और एनलार्ज किया, नया नहीं किया, एनलार्ज किया, और उसको लोक भोग्य भाषा में लोगों को बताने की कोशिश किया। और इसीलिए लोग धीरे धीरे उनकी उन बातों को समझने लगे। मैंने बहुत सारा प्रतिष्ठित आत्मा के बारे में कहा कि प्रतिष्ठित आत्मा जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक पुरुषार्थ रहेगा, तब तक प्रतिष्ठित आत्मा रहेगा। अगर अज्ञान खत्म हो गया तो पुरुषार्थ खत्म हो गया, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा लाए नहीं रहेगा। तो ये सिद्धांत हो गया। मगर हमने दो प्रतिष्ठित आत्मा की बात कही, चार्ज और डिस्चार्ज। चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो इस वर्ष में चार्ज करता हूँ कर्म, प्रतिष्ठा करते करते एक एक करके कर्म चार्ज करता हूँ, और पूरी लाइफ के बंच ऑफ कर्म जो होते हैं जिसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा बनाती है। और वो कैसे बनाती है? उनके पास जो ज्ञान दर्शन है वो ज्ञान दर्शन का अवस्था में उपयोग करके अपने बिलीफ के माध्यम से वो नए कॉज बनाते हैं। जैसे अगर प्रकृति चोरी करती है तो कॉजल बॉडी के अंदर अगर चोरी करना उसको सही लगता है तो वो कहेगा चोरी करेंगे, इसमें क्या तकलीफ है, घर तो चलता है अपना, तो वो चोरी करता है और कॉज भी डालता है चोरी करने का। दूसरा कोई व्यक्ति है वो भी चोरी करता है, मगर उनको लगता है उनके ज्ञान में ऐसा है कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत रास्ता है, किसी को दुख पहुंचाने का रास्ता है, ये मानवता का रास्ता नहीं है। तो वो क्या कहेंगे, चोरी करेंगे और भाव करेंगे कि हे परमात्मा मैं ऐसी चोरी नहीं करूं, ऐसी आप मेरे को संजोग और शक्ति दो। तो ये कॉज बन गए। तो यानी कॉज का मतलब होता है वर्तमान ज्ञान दर्शन जो है उसका उपयोग से कॉज बनता है, सिर्फ अवस्था से नहीं। दूसरी बात, तो ये कॉज इफेक्ट की मैंने बात कहा, आध्यात्म विज्ञान उससे ऊपर है। आध्यात्म विज्ञान कहता है अगर प्रकृति चोरी करती है या दान देती है, हमको प्रकृति से ही मुक्त रहना है और प्रकृति की हर अवस्था और क्रिया को कुदरती रचना ही देखना है, अच्छा बुरा नहीं देखना है, क्योंकि अच्छा बुरा ही द्वंद है और द्वंद से ही संसार खड़ा भी होता है और चालू भी रहता है। हमको प्रकृति को अच्छा नहीं करना है, प्रकृति को बिगाड़ना नहीं है, हमको प्रकृति से मुक्त रहना है। और इसीलिए हम आध्यात्म विज्ञान में प्रकृति, प्रकृति की अवस्था और पांच ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, उसमें जो भी दुखता है, जो भी अनुभव होता है, इसको सिर्फ और सिर्फ कुदरती रचना देखना, यही केवल दर्शन का पुरुषार्थ है। और यही पुरुषार्थ से हम सभी प्रकार के अज्ञान को धीरे धीरे मिटा सकते हैं। ये प्रक्रिया है और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है। और इसीलिए अज्ञान को मिटाने के लिए विज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। धर्म से अज्ञान मिटता नहीं है, धर्म से अज्ञान परिवर्तन होता है, मिटता नहीं है, क्योंकि धर्म कर्तापन और मालिकीपन के साथ होता है। और इसीलिए धर्म प्रकृति को बदल सकता है, अज्ञान को मिटा सकता नहीं है। और मुक्ति का मार्ग अज्ञान को मिटाना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल